पता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। आगरा में जनसभा को संबोधित करने पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रत्याशियों में भी उत्साह भर गई, साथ ही अपने परंपरागत वोटर को भी साथ गई, जिससे उनके वोट में किसी तरह की शेंद न लग सके। बसपा सुप्रीमो ने कोटी मीना बाजार मैदान में मंडल स्तरीय चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सर्वजन हिदाय सर्वजन सुखाय जनसभा में बसपा पार्टी अध्यक्ष मायावती ने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। मायावती ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहली चुनावी रैली की आगरा के कोटी मीना बाजार मैदान से संबोधित किया। मायावती ने मंच पर पहुंचते ही भाजपा सपा और कांग्रेस तीनों पार्टियों को निशाने पर लिया। आज के आगरा में तो इतना बुरा हाल है दलितों का कि पुलिस की कस्टडी में तो दलित वर्ग के एक नव युवक को मार दिया जाता है, ये भी किसी से छिपा नहीं। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनत कश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी तो उनका भी इन्हें इस सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिल सका है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।